हेलो गाइस, तो टेक्निकल लवर्स क्या हाल चाल है। सिंपल दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो अपने जीमेल से किसी को ईमेल करना है तो किस तरह से दोस्तों किया जाता है, मैं आपको स्ट्रेटली यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल यहाँ से अपने मोबाइल में जो एप्लीकेशन होता है जीमेल का, वो ओपन करके ले लेना है। चलिए ओपन करके लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने आता है। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी को मेल भेजना है तो क्या करना है, आपको कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देखिए नीचे कंपोज ऑप्शन है, कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर अटैच हो जाता है। और टू में जिसे हमें ईमेल भेजना होता है उसका ईमेल आईडी डालना पड़ता है। तो चलिए मैं क्या करूँगा, टू में यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जैसे कि एक ईमेल मुझे याद है, चलिए मैं ये वाला ईमेल अशफाक शेख 88@gmail.com ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस बंदे को मुझे मेल करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टू में उसका मेल डाल दिया। और यहाँ से देखिए नीचे आ चुका है पूरा, यहाँ से उसका फोटो के साथ में आ चुका है। तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, उसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हो चुका है। अभी मान लो जैसे मुझे कुछ सब्जेक्ट है, आपको कौन से कंपनी में भेजना है, किसी बॉस को भेजना है, तो आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि आप लोग चाहे जैसे छुट्टी के लिए मेल कर रहे हो, या फिर कुछ हमारा ऑर्डर दे रहे हो आप लोग अपने शॉप की, इतने कपड़े चाहिए तो इतने ये कुछ तो माल चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं शॉप में यहाँ पर अगर शॉप का मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो क्या करूँगा, प्रोडक्ट डिटेल्स, तो इस तरह से मैं लिख लूँगा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, तो इतना मैं डाल दूँगा। और नीचे कंपोज मेल में जो भी टाइपिंग करना है आपको टाइपिंग कर देना। और ये तो बात हो गया है। अभी देखिए यहाँ पर अभी मुझे कुछ फ़ोटो भी भेजने हैं, तो क्या करूँगा मैं, देखिए ऊपर एक कंपोज का यहाँ पर एक ऑप्शन है, जिसे कंपोज का जो ऑप्शन होता है इसे कहा जाता है, ये देखिए। और क्या करना है हमें, इसके ऊपर क्लिक करना है और अटैच फाइल पे क्लिक करना है। अटैच फाइल बोले तो जो गैलरी के हमारे फ़ोटो है वो सब दिखाई देंगे। अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हमारे सब फ़ोटो है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी हमारा एक फ़ोटो ले लेंगे। और फ़ोटो देखिए यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, इस तरह से ये एक अटैच करता हूँ और ये एक अटैच करता हूँ। दो फ़ोटो मुझे भेजने भी है, तो सिंपल देखिए ये दो फ़ोटो पे सिलेक्ट करने के बाद, ये देखिए सिलेक्ट का ऊपर ऑप्शन है, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और दोस्तों ये फ़ोटो भी हमारे यहाँ पर चले जाएंगे अभी सामने वाले बंदे को। तो देखिए सिंपल अभी जो एरो है, एरो के ऊपर हम लोगों यहाँ पर क्लिक करना है और ये सेंड हो जाएंगे। चलिए आप लोग देख रहे हैं ये सेंड नीचे लिख के आ रहा है। अब ये चेक कैसा करेंगे, आप लोग का ये मेल चला गया है, देखिए सिंपल थ्री लाइन के अंदर क्लिक करेंगे, ये जो कॉर्नर पे थ्री लाइन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड वाला ऑप्शन पे चले जाएंगे। देखिए नीचे सेंड का ऑप्शन है, सेंड का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ये सेंड हो चुका है मेल, इसलिए ये सेंड में आया है। सिंपल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे तो जो आपका मेल इंपॉर्टेंट होता है उसे आगे स्टार भी कर सकते हो, जैसे कि ये गूगल पे का है, इसके आगे स्टार भी कर सकते हो, देखिए ब्लू में हो गया है। और सिंपल हम लोग को जो स्टार वाले मेल कभी नीचे चले जाते हैं, मेल मिलता नहीं, इंपॉर्टेंट मेल होता है, तो आपको स्टार करके रखना होता है। और वो देखने के लिए क्या करेंगे, प्लस थ्री लाइन में क्लिक करेंगे, थ्री लाइन पे मत यहाँ पर आप लोग देख रहे स्टार स्टार है, उसको हमने किया था मेल को, तो वो स्टार में चला गया है। ये देखिए यहाँ पर स्टार में आ गए, ये मेरे सारे स्टार वाले मैंने यहाँ पर फ़ोटो ये ईमेल रखे हुए, इसके अंदर मेरे को डॉक्यूमेंट है कुछ फ़ोटो से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।